हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे तकदीर एंटरप्राइजेस के चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे आपको सब ऑनलाइन सर्विसेज, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट, बैंकिंग, अकाउंट ओपनिंग और सारे मी सेवा सर्विसेज और सीएससी सर्विसेज अवेलेबल हैं। वेलकम। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्टोर को विज़िट करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो है राजीव आरोग्य श्री। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देखते हैं कि राजीव आरोग्य श्री के नाम से केवाईसी फिर से तेलंगाना की हुकूमत ने चालू किया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि किसको करवाना है और जो करवा लिए ऑलरेडी केवाईसी उनको क्या करना चाहिए और जो नहीं कराए उनको क्या करना चाहिए और जो करा लिए जिनके पास कार्ड ऑलरेडी है वो लोग क्या करना चाहिए। यहाँ पर हम सब लोग देखेंगे कि कैसे कैसे किस तरह कौन करवाते हैं, कौन नहीं करवाते हैं और क्या करना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि इससे पहले आयुष्मान सेंट्रल हुकूमत की तरफ से आयुष्मान भारत का जो एक स्कीम चालू हुआ था, जिसमें 5 लाख का जो है ना सेंट्रल की तरफ से आ रहा था और तेलंगाना की हुकूमत से 5 लाख रुपए का आ रहा था। लेकिन इस टाइम तेलंगाना में जो कांग्रेस हुकूमत है वो अभी जो है ना नया काम ईकेवाईसी का स्टार्ट किया है, जिसमें 10 लाख का जो है ना इंश्योरेंस मिलेगा सबको। और जो है ना जिसके पास लास्ट टाइम एक अनाउंसमेंट में हमारे जो प्रधानमंत्री है रेवंत रेड्डी साहब ने अनाउंस किया था कि जिसको राशन कार्ड है उनको भी हेल्थ कार्ड मिलेगा 10 लाख का और जिसको नहीं है उनको भी मिलेगा 10 लाख इंश्योरेंस का। ये काम जो है ना 13 सितंबर से चालू हुआ है। केवाईसी हमारे स्टोर पे जो है ना नज़दीकी मी सेवा पे करा सकते हैं, आप नज़दीकी सीएससी सेंटर कहीं पे भी जहाँ कर अपने केवाईसी करा सकते हैं। और जिन लोगों ने करवा लिया है ऑलरेडी जो केसीआर की हुकूमत के टाइम पर, जो ऑलरेडी मी सेवा पे जाके सीएससी सेंटर्स में जाके जो लोगों ने करवा लिया उन लोगों के लिए भी जो है ना अभी 10 लाख का आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए जो है ना डेटा फेचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो लोग नहीं करवाए उन लोगों के लिए केवाईसी हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये अपडेट करेंगे सॉफ्टवेयर को। और जिस जिसने केसीआर के हुकूमत के टाइम 5 लाख का करवाया उन लोगों के लिए भी फिर से रीकेवाईसी या फेचिंग प्रॉब्लम चल रहा है। जो लोग करवा लिए वो लोग थोड़ा देर रुक जाइए, अभी जो फ्रेश है जो नहीं करवाए उन लोगों के लिए केवाईसी हो रहे हैं। अपने नज़दीकी मी सेवा सेंटर्स पर जाइए या फिर नहीं तो सीबीएसई सेंटर्स पर जाके अपना अंगोड़ा फिंग ईकेवाईसी करा कर अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, इससे जो है ना आपका जो केवाईसी करा लेंगे बहुत जल्द, केवाईसी कराने के बाद आपको एक लिंक आएगा जो लिंक से अपन जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं जो नया कार्ड है राजीव आरोग्य श्री के नाम से। जो पुराने कार्ड से जिस पर जो है ना केसीआर की फ़ोटो लगी हुई थी और अपने सेंट्रल प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई थी, लेकिन इस बार जो है ना अभी जो कांग्रेस हुकूमत है वो लोग ने कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन किया गया है ना उसका कार्ड के लिए। और फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ केवाईसी हो रहे हैं। जिन लोगों ने केवाईसी नहीं करवाया, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो कार्ड्स जो पुराने डिज़ाइन के थे जिसमें केसीआर की फ़ोटो लगी हुई है और सेंट्रल के प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी हुई है, अभी जो कांग्रेस हुकूमत है वो नए डिजिटल का स्मार्ट कार्ड्स लॉन्च कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको लिंक आएगी उसके लिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टोर को विज़िट करिए।